दोस्तों, इस कहानी का नाम है समझदार सांप। एक संत नगर नगर घूमकर भलाई और भाईचारे का उपदेश देते थे। एक बार वह एक नगर में जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। लोगों ने कहा, इस रास्ते में मत जाइए, जंगल में एक जहरीला सांप रहता है। वह सांप हर आने जाने वाले को डस लेता है। अगर आप इस रास्ते से गए तो आप पर भी हमला कर सकता है। संत ने लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया। संत जैसे ही सांप के बिल के पास से गुजरे, वैसे ही सांप अपने बिल से बाहर निकलकर संत को डसने दौड़ा। संत ने सांप को देखा तो उन्होंने रास्ते में धूल उठाकर उस पर फेंक दी। संत की धूल में चमत्कार था, इससे सांप का गुस्सा शांत हो गया। सांप सिर झुकाकर संत के चरणों में बैठ गया। संत ने कहा, बेटा, पिछले जन्म में तुमने खूब लड़ाइयाँ की थी, इसीलिए तुम इस जन्म में सांप बने। पर तुम इस जन्म में भी नहीं सुधरे और लोगों को परेशान करते हो। सांप ने संत से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। संत ने कहा, आज से ही लोगों को काटना बिल्कुल बंद कर दो। सांप ने कहा, आपका कहना सही है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। संत सांप को आशीर्वाद देकर चले गए। उस दिन से सांप शांति से रहने लगा। अब वह लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करता था। धीरे धीरे आसपास के लोगों को पता लग गया कि सांप ने अब काटना छोड़ दिया है। शुरू में लोग बहुत सावधानी से सांप के पास जाते थे। फिर धीरे धीरे लोग सांप को परेशान करने लगे। बच्चे सांप की पूंछ पकड़कर उसे घसीटने लगे। सांप किसी से कुछ भी नहीं कहता था। इस तरह लोगों के अत्याचार के कारण सांप अधमरासा हो गया था। कुछ दिनों बाद संत उसी रास्ते से गुजरे। संत सांप की हालत देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? सांप बोला, आपने ही कहा था कि लोगों को काटना बिल्कुल छोड़ दो, मैंने ऐसे ही किया। तब से लोग मुझे परेशान करने लगे और मार मार कर मुझे अधमरा कर दिया है। संत ने कहा, बेटा, तुम बहुत ही सीधे हो, मैंने तुमसे लोगों को काटने के लिए मना किया था, फुफकाने को थोड़े ही मना किया था। अगर ऐसे ही तुम लोगों की मार झेलते रहे तो एक दिन लोग तुम्हें जान से मार देंगे। अब तुम आगे से किसी को डसना मत, पर अपनी फुफकारने की आदत मत छोड़ना। संत यह कहकर आगे बढ़ गए। अब सांप दोबारा अपने पहले के स्वभाव में लौट आया। लोग उसे परेशान करने आते तो वह बहुत तेजी से फुफकाने लगता, पर वह किसी को काटता नहीं था, बस उसे डरा देता था। धीरे धीरे लोगों ने सांप को परेशान करना छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सहन करने की एक सीमा होती है। हद से ज्यादा सहन करने से लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं आप पर और भी ज्यादा अत्याचार करने के लिए।